बैक टू माई चैनल। कैसे आप सभी लोग, आई होप अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको कुछ दिखाने वाली हूँ। मम्मी का कुछ आया है, सारी आपको दिखवाऊंगी, अनबॉक्सिंग भी करूँगी आपके सामने। तो फिलहाल अभी मम्मी काम कर रही है, अभी हम ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया है और फिर लास्ट में अनबॉक्सिंग करेंगे। उसके बाद चलो अभी देखते हैं। तो गाइस देखिए मम्मी कपड़ा चपेट रही है। मम्मी अपने ऑडियंस से मिलो। हेलो गाइस, तो यही है हमारा गिफ्ट जो हम लोग आपके सामने पार्सल करने वाले हैं। तब तक के लिए ब्लॉग को देखिएगा। तब तक मैं थोड़े काम कर ले रही हूँ। तो गाइस देख सकते हैं अभी पापा यहाँ पर खाना खा रहे हैं। अभी हम सारा अनबॉक्सिंग करेंगे। पापा क्या खा रहे हैं देखो। केला, केला, रोटी, सब्जी। हाँ खाओगे? नहीं। अरे ये तो दिखा। और गाइस ये आलू चाट। तो फिलहाल अभी मम्मी काम कर रही है। अभी मैं आपसे तो अभी मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। उसके बाद हम अनबॉक्सिंग करेंगे और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। तो चलो अभी हम मम्मी अनबॉक्सिंग करेंगे, है ना माँ? चलो लेट्स गो। तो गाइस अभी फिलहाल बज रहे हैं शाम के 5:30 और अभी मैं मम्मी वीडियो बनाकर उठी है और उसके बाद हम अनबॉक्सिंग करेंगे, फिर आप लोग को दिखाएंगे कैसा है। मुझे तो अच्छा लगेगा कि मैं उतना उस पर ये नहीं करती हूँ। और आपको नई वीडियो भी मिल जाएगी, आप जो जो बोलो वीडियो बनेगा वो हम बनाएंगे। तो फिलहाल अभी हम ब्लॉग स्टार्ट ही किया, मम्मी बोली कि ब्लॉग स्टार्ट करने को। तो चलो अभी हम अभी देखते हैं मम्मी अनबॉक्सिंग करेगी भी, तो बहुत एक्साइटेड हूँ। हाँ तो अभी मैं मेरी मम्मी चलो क्या बोली मैं तो अभी मेरा मॉर्निंग स्कूल स्टार्ट है क्योंकि फिलहाल अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं ना। तो अच्छा भगवान करे कि अच्छा मार्क्स है और फिर मैं तो अच्छे से हूँ। तो फिर तो गाइज यहाँ ये देखो गाइज मम्मी पोछा मार रही है, पापा खाना खा रहे हैं। मम्मी बुड्ढू है, खाना खाने के बाद पोछा मारा जाता है कि पहले? तो चलो अभी मैं रुक देना। बोलो। तो गाइस अभी देखिए मम्मी पोछा मार रही है। पीछे जाओ पीछे जाओ पीछे जाओ। और यहाँ पापा खाना खा रहे हैं और यहाँ मम्मी पोछा मार रही है। तो अभी फिलहाल अभी ब्लॉग स्टार्ट किए हैं, मम्मी पोछा मार रही है। तभी हम अनबॉक्सिंग करेंगे, लेट्स गो। तो अभी मैं सो के उठ के खेलने चली गई थी, मम्मी बोली ब्लॉग बना के जाओ। मैंने बोला नहीं, पहले मैं खेलूँगी उसके बाद ब्लॉग स्टार्ट करूँ। तो मैं पेड़ भर ली, तब अभी ब्लॉग स्टार्ट की हूँ। और मैंने बोला कि ब्लॉग स्टार्ट कर लो, तो फिर अभी हम अनबॉक्सिंग करेंगे। तो बहुत एक्साइट और मम्मी आ रही है अभी 2 मिनट में फिर हम अनबॉक्सिंग करेंगे हम लोग। तो देख सकते हैं गाइस अभी मैं और मेरी मम्मी आ गए हैं ब्लॉग मतलब अनबॉक्सिंग करने को। और ये मम्मी के। तो हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। तो मैं कुछ मंगाई थी जो आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ। और रूही को जब बोलते हैं ब्लॉग बनाने तो बनाती नहीं है, उसका जब मूड रहता है तभी बनाती है।
और मेरे मन से बनाती नहीं है, और मुझे ब्लॉग बनाना बिल्कुल ही पसंद नहीं है, फिर भी बनाना पड़ता है। और देखिए मैंने आज क्या क्या मंगाया है वो आप लोगों को दिखाऊंगी, और किस लिए मंगाया है वो भी बताऊंगी। तो आप लोग ब्लॉग को ऐसे ही बने रहिएगा प्लीज़, तब तक लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलो गाइस अभी हम अनबॉक्सिंग करता हूँ। रुई अभी अनबॉक्सिंग करेगी, किस कलर का है आप लोग गेस करके बताइए, रुई भी बताइए। क्यों कलर वाला है पता नहीं, सरप्राइज है। रुई अनबॉक्सिंग कर रही है, इसे खुले वहाँ से खुलता है, इसे खुलेगा नहीं यहाँ से, ऐसे डालो। ये इसका पैकेट बहुत ही मजबूत रहता है इसलिए खुलता नहीं है। चलिए मैं ही खोल दे रही हूँ, इससे पागल से खुलेगा नहीं। और एक ये वाला भी है, रुको ना खोल ही ना रहा है। तो गाइस बहुत ही अच्छा है येलो कलर का बुक किया था साड़ी, कितना अच्छा लग रहा है। अब वो खोलो, अब गाइस ये बचा है, चलो अभी हम खोलते हैं ये वाला। मैं खोलूं, ये देखिए ये मैंने मंगाया है हल्दी में पहनने के लिए, गांव में शादी है, हम लोग शादी में जा रहे हैं 24 मई को, तो इसलिए मंगाया है। और दूसरा वाला भी खोल रही है रुई, खोल उसमें भी कैसा कलर है, अच्छा ही होगा जब इसमें भी अच्छा। ये भी नहीं खुलेगा, इससे खुलेगा, खाना खाती ही नहीं तो इससे खुलेगा क्या। उसमें मेरा फेवरेट कलर है, आप लोग बताइए मेरा फेवरेट कलर क्या है। ग्रीन ग्रीन देखिए खोल रही है, इसे खुलता ही नहीं है लेकिन खुलेंगे, खुल गया। इसका प्लास्टिक मजबूत नहीं, दोनों का ही मजबूत। तो गाइस ये भी बहुत मस्त, तो ये देखिए ये ग्रीन कलर का है, अच्छा है। मेहंदी में ये पहनना है और ये हल्दी में पहनना है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तुम साड़ी पहनेंगी, आप लोग कमेंट में बताइएगा गाइस कि कैसा साड़ी है प्लीज। ये वाला बहुत अच्छा है, दोनों में से कौन सा अच्छा है आप लोग कमेंट में बताइएगा। ये पूरा ही ग्रीन है, पूरा प्लेन ब्लाउज है। तो मैंने जैसा देखा था मंगाया था वैसा ही है, मैंने सिंपल में हल्का हल्का मंगाया था क्योंकि गर्मी के टाइम में ज़्यादा भारी तो पहन नहीं पाते हैं ना, इसीलिए हल्का हल्का मंगाया था। रुई को येलो कलर बहुत ही पसंद है, काम करते हैं रुई ही पहन लेगी, हम दूसरा पहन लेंगे। तो ये ग्रीन और ये येलो, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि दोनों ही साड़ी कैसा है। और इसका ब्लाउज निकालो, इसका ब्लाउज सिलवाना है, इसका कपड़ा बहुत सॉफ्ट है, कपड़ा सॉफ्ट है, इसका ब्लाउज पता नहीं कैसा है, तो कमेंट में प्लीज़ बताइएगा कि दोनों साड़ी में से कौन सा अच्छा है। ये साड़ी मुझे दे लो, आप लोग ब्लॉग को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और थोड़ा मेरा शॉर्ट वीडियो को भी प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। वीडियो अभी डाउन हो गया बहुत ही, क्या है वो, बहुत ही मेहनत लगता है वीडियो बनाने में और आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते नहीं है, इसीलिए गाइस थोड़ा प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए। और मैं ब्लॉग को यहीं अब ख़त्म करती हूँ, शाम भी हो गया है, शाम घर में भी काम है, अभी वीडियो बनाना ख़त्म हुआ, देख सकते हैं आप लोग मैं कपड़ा भी चेंज नहीं की हूँ,
और ये साड़ी मैंने इसलिए मंगाई हूँ क्योंकि शादी में जाना है 24 मई को, गांव में शादी है पटना, वहाँ जाना है, ननद का शादी है तो जाना है, जाना तो पड़ेगा ही। और तब तक अगर आप लोग ऐसे ही लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।